हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैड के पल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि बदलाव, क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए गाइस, आज है 8th ऑफ अगस्त 2021, जिसमें लॉयन गेट पोर्टल है आज, जिसमें क्या होता है कि सूर्य देव जो होते हैं वो लियो राशि में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी कि सूर्य देव अपनी ही राशि सिंह राशि में जाते हैं। और जब सूर्य देव अपनी राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बदलाव होते हैं, ठीक है। ये जो भी बदलाव होते हैं, इन चीज़ों का इफेक्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट जर्नी में जो लोग होते हैं उन लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। काफ़ी लोगों की अवेकनिंग होती है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो तो, ठीक है। तो वही चीज़ देखेंगे हम कि क्या बदलाव आ रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तभी भी हम देखेंगे कि क्या बदलाव आ रहे हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करती रहूंगी। तो गाइस देखिए, जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ के लिए डाउट करो कि हमें तो यही नहीं पता कि हम किस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो आप तभी भी ये रीडिंग देखिएगा, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं सिर्फ आप वही चीज़ें लीजिएगा, ठीक है। सब लोगों के लिए है ये चीज़ें। गाइस देखिए, सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो हमारी एनर्जीज हैं, ये तो आप हमारी एनर्जीज बता रहे हो। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं हुआ कीजिएगा। और मैं आपको ये चीज भी बताती हूँ कि जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा आपके पर्सन नहीं सोचे। हो सकता है आप लोग एक दूसरे जैसा ही सोच रहे हो, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान, इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाइए कि ये तो मेरी एनर्जीज है, आपने तो मेरी एनर्जीज बता दी। ऐसा करने से आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो पोर्टल होता है इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जो होती हैं वो बैलेंस होती हैं। इस टाइम पे आप लोगों का जो ऊर्जा का लेवल है, स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे सपोज आप लोग मेडिटेट करना चाह रहे हो काफ़ी लंबे समय से और आपको उस मेडिटेशन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप किसी चीज़ के लिए अवेकन होना चाह रहे हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ पे नहीं पड़ रहा है, तो आपको एज अ गाइडेंस यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि इस वक्त ये ऐसा समय है फुल टू एनर्जी वाला। सूर्य देव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप इन चीजों पे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो ये बहुत परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आपको अपने चक्रास, जो आपके ब्लॉकेजेस हुए हुए हैं, तो अगर आप उस पे काम करना चाहते हो तो इस लॉयन गेट पोर्टल के दौरान आप उन चीजों पे भी काम कीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर अपने पर्सन को हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप इस लॉयन गेट पोर्टल के दौरान आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज गाइस देखो, आप लोग काफी समय से मुझे बोलते हो मैम कर्मा 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 नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी को कर्मा नहीं मिल रहा, पर्सन को कर्मा नहीं मिल रहा। तो बेसिकली ये जो टाइम चल रहा है ना, आज का जो दिन है 8 8 8 नंबर शनिदेव का ही नंबर होता है, जिसमें कर्मा, जिसने जैसा कर्म करा है उसको वो चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो कि न्याय कब मिलेगा, उस पर्सन को उसका कर्मा कब मिलेगा, तो उसका कर्मा मिलने का समय अब आ गया है, ऐसा यहाँ पे आपको बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सवाल आज का वैसे ये है कि आपके पर्सन के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल के दौरान, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या बदलाव आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर इस पोर्टल के दौरान। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए
करते हैं। सिजोफेनिया मैच्योरिटी अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशंस। वेरी नाइस भाई, हमारा आज का सवाल ये था, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ही होने वाला है उनके अंदर। वेरी नाइस। द लवर्स एंड अबेंडेंस, माइंड ब्लोइंग भाई। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ अभी तक क्या है ना, बहुत कंफ्यूज आत्मा है। ठीक है, कोई सी भी छोटी सी भी चीज होगी ना, उसे इतना कॉम्प्लिकेट बना लेंगे, उसे कंफ्यूजन में डाल देंगे कि कैसे करे क्या करे, ये चीजें हैं। तो मुझे सबसे पहले तो इनके अंदर यही बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब ये किसी भी चीज के मामले में इतना कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कोई एक ऑप्शन के साथ ये सटीकली मैच्योरली डिसीजन ले लेंगे, उस लेवल पे इस लॉयन गेट पोर्टल के बाद ही आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इनके साथ क्या है कि ये हमेशा या तो दो नाव पे पैर रखकर चलना चाहते हैं, दो पर्सन के साथ डील करना चाहते हैं। मतलब इनके साथ यही दिक्कत है कि किसी एक पर्सन के ये लॉयल बनकर नहीं रह पाते, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है आप जैसे कभी बाजार जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो भी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, ये ले वो ले, ये ले वो करे, मतलब उस तरह की ये पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस मामले में ये काफी मैच्योर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफी चीजों के प्रति अवेयर, जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस चीज के लिए कब स्टेप लेना चाहिए, किस चीज को कब कर लेना चाहिए, उन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ इन्हें काम करना है, कहाँ कितना एफर्ट डालना है, उन चीजों के प्रति अवेयर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तरफ अवेयर होंगे इस लॉयन गेट पोर्टल के बाद। ठीक है, आज ही है जैसे इसके ड्यूरेशन में ये अपने एक अवेकनिंग की तरफ काफी ज्यादा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर ना गाइस बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्म आने वाला है। मेजर यानी कि जैसे ये अभी तक आपको दिखा रहे हैं, वैसे मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी कि किन चीजों में इनमें ट्रांसफॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आपके पर्सन के अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा आपके पार्टनर अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहेंगे। हो सकता है अगर इन्हें इनकी अवेकनिंग उस लेवल तक भी हो सकती है कि अपने चक्रास को बैलेंस भी करें, उस मामले में भी ये काफी ज्यादा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस लॉयन गेट पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में काफी ज्यादा अबेंडेंस आने वाली है, काफी ज्यादा खुशियां आने वाली हैं, और इनका प्यार जो है, जो कि आप मेरे व्यूअर्स इन्हें वापस से मिलने वाले हैं, ये चीजें भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, यानी कि ये जिससे भी प्यार करते हैं वो इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी लोग जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं गाइस, तो देखिए आज का सवाल ही यही था कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में जो लोग हैं, उन लोगों का, काफी लोगों का मिलन इस लॉयन गेट पोर्टल के दौरान होता है, और वही यहाँ पे चीज आ गई कि इस मामले में भी यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में काफी ज्यादा अबेंडेंस आने वाली है। ठीक है, ये चीजें दिख रही है, यानी कि ओवरऑल बोलू तो उनका रिलेशनशिप ठीक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या बदलाव आए हैं, सारे क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या क्या बदलाव आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। 1 2 3 4 द डेविल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है गाइस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, कैप्रिकॉन एनर्जी, और यहाँ पे भी कैप्रिकॉन एनर्जी है। ठीक है, देखो गाइस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना पास्ट में कुछ भी हो, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको ये जंजीरों में बांध कर रखना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे। शायद इन्हें किसी चीज का बहुत ज्यादा एडिक्शन भी है, चाहे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चाहे किसी अल्कोहल के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, यहाँ पर ये चांसेस हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा बदलाव ये आने वाला है कि ये प्यार की कदर समझने वाले हैं। ठीक है, प्यार की कदर के मामले में मैच्योर हो जाएंगे आपके पार्टनर। अब ये समझ जाएंगे कि किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि उसे कंट्रोल करके रखना, उसे अपने हिसाब से चलाना, बल्कि इसका मतलब है उसकी कदर समझना, उसकी, उसका इनके लाइफ में होना,
कितना इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के प्रति, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर ना किसी शायद किसी थर्ड पार्टी इश्यूज में हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े कच्चे कानों के हैं। इन्हें जो जैसा समझा देता है, जो इन्हें बता देता है, ये उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसका गुस्सा ही आपके ऊपर उतार देते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही हैं। उस मामले में भी ये काफी ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे। अब ये किसी की बातों में तुरंत आकर आप पे एग्रेसिव एनर्जी में नहीं आएंगे, आप पर एकदम नहीं भड़बड़ाएंगे, अपना सोच समझ कर कोई सटीक डिसीजन लेंगे। चीजों को पहले अच्छे से इवेल्युएट करके जांच पड़ताल करने के बाद आपसे ये डील करेंगे, आपसे क्या इनफैक्ट इनके आसपास जो भी लोग होंगे ना उनसे ये डील करेंगे। यानी कि इस डेविल एनर्जी से निकलकर दूसरे की कदर समझना आपके पर्सन को आ जाएगा। बोलने से पहले चार बार सोचना है, ये चीजें इनके अंदर चेंज आ जाएगा, ये बदलाव मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। किसी की बातों में तुरंत नहीं आएंगे, किसी को बहुत ज्यादा कंट्रोल अब नहीं करेंगे। इन मामलों में इनके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए किन दो मामलों को जिनको लेकर ये कंफ्यूज रहते हैं, किन दो कंफ्यूजन से ये बाहर निकलेंगे, उन चीजों के मामले में क्या बदलाव आएगा इनके अंदर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1, 2, 3, 4 टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स बहुत ज्यादा आया है यहाँ पे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो गाइस, 110% आपके पर्सन ने ना आपको यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हो, फैमिली इश्यूज आ गए हो, काफी लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया हो, काफी लोग फ्रेंड्स वगैरह आ गए हो, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। और इसका कारण यही था कि आपके पर्सन ना बहुत कंफ्यूज्ड थे पास्ट में स्पेशली, लेकिन अभी आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये जो इन्होंने करा, जो चीजें इन्होंने करी कंफ्यूजन की वजह से, आपके मामले में इतने क्लियर नहीं थे, इस वजह से उन चीजों के प्रति अब खुद बर्डन लेंगे, उसकी जिम्मेदारी ये खुद अपने कंधों पर लेंगे, जो कि ये नहीं ले रहे थे। ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको हालांकि ये शो नहीं करेंगे कि हाँ ये अपनी गलती समझ गए हैं, लड़ाई झगड़े का कारण ये समझ गए हैं, लेकिन इन्हें डीप इनसाइड इन चीजों का पता चल जाएगा कि हाँ ये जो भी हुआ है ना आप लोगों की लाइफ में, वो इसका कारण ये खुद ही हैं, ठीक है। उन चीजों का ये बर्डन लेंगे, अपने रिश्ते की, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसका जिम्मेदारी का ये बर्डन लेंगे कि अब अगर रिश्ता सही हो सकता है तो यही कर सकते हैं, इन चीजों का बर्डन लेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन है ना, इन्हें इस कंफ्यूजन से डेफिनेटली बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें बदलाव आएगा कि अब ये खुद से आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आएंगे, क्योंकि इसका कारण है अपने आप से इन्हें पता चला है कि हाँ इस चीज में मेरी ही गलती थी, इसमें इन्हीं का कहीं ना कहीं फॉल्ट था, यही कहीं ना कहीं चीजों को गलत नजरिए से देख रहे थे, कंफ्यूजन में थे इन चीजों के प्रति, ये इनके दिमाग में काफी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि आपके पर्सन और किन चीजों के प्रति अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए किन चीजों के प्रति मेरे व्यूअर्स के पर्सन अवेयर हो रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आया है 3 of Swords, 4 of Cups, 10 of Cups एंड द मून। देखो गाइस, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और पाइसेस की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पे 110% आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रही है, जिसने आप लोगों के बीच के रिश्ते को ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना चाहा है। चाहे वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही थी, आपको कंट्रोल कर रही थी, आप दोनों को कंट्रोल कर रही थी, किसी भी तरह से है, तो ये उन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, ये चीजें दिख रही हैं। और अब ये जिस थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा बातों में आते थे, उसके ऑफर लेने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे, अब उसी के ऑफर को ये देख भी नहीं रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने सपने को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, आपको लेकर, अपने परिवार को लेकर, अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो उसको लेकर अवेयर हो जाएंगे, ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है।
और इसका कारण ये है कि आपके पर्सन ना इस दौरान अपने आप पर बहुत ज्यादा काम करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के बीच की सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे, इसका कारण ये है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन चीजों के प्रति इनके अंदर ट्रांसफॉर्म आएगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए किन चीजों के प्रति यहाँ पे इनके अंदर ट्रांसफॉर्म आएगा। 1, 2, 3, 4 द एम्परर, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। देखो गाइस, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि आया है, एरीज एनर्जी आ गई हमारी, एक्वेरियस एनर्जी और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मुझे यहाँ पे काफी लोगों के केस में थर्ड पार्टी ना पेरेंट्स इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, मदर एंड फादर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर के अंदर ना ट्रांसफॉर्म आने वाला है, चेंज आने वाला है इनके प्रति। आपके पार्टनर इन लोग अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे, उनके कंट्रोल में बहुत ज्यादा थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जिस एटमॉस्फेयर पे रहे हैं ना, वहां पर बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, वहां पे ना अपना अपने हक के लिए लड़ा नहीं जाता है, वहां पे ऐसा है सिर्फ दिया ही दिया जाता है, वहां पे लेने की कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती है, ये चीजें दिख रही हैं। यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपके पर्सन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर छोटों को अपने लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है, वहां पे जो भी अधिकार होता है बड़ों को होता है, बड़े ही सिर्फ ऑर्डर देते हैं और छोटे उन्हें मतलब फॉलो करते हैं, ये चीजें हैं। आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म आ रहा है इस लॉयन गेट पोर्टल के बाद, कि इन्हें ये समझ में आने वाला है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसे रिश्ते में, एक ऐसी फैमिली में है जहां पर सिर्फ और सिर्फ दिया जा रहा है, इन्हें मिल नहीं रहा है। और उसके अलग मुझे यहाँ पे गाइज ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना ये भी समझ में आने वाला है, इनके अंदर ये भी बदलाव आने वाला है कि ये चीजों को इवेल्युएट करेंगे, यानी कि दिमाग से ये जितना नहीं सोचते थे इसके बाद ये इनके अंदर ये बदलाव आएगा, ये चीजों को ना अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने लिए न्यू बिगनिंग करने के लिए एक स्टैंड लेने वाले हैं, ये चीजों का इनके अंदर बदलाव आने वाला है। यानी कि जो पर्सन इनके अपने पेरेंट्स के आगे, हो सकता है कोई बड़े हों इनके, उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, वो एक नई बिगनिंग करने की हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी करेज दिखाने की हिम्मत इनके अंदर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बदलाव इनके अंदर दिख रहा है मुझे। ठीक है, द लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए 1, 2, 3, 4 डेथ, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आया हमारा, और यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो की एनर्जीज आई है। देखो गाइज, मुझे पहली चीज तो आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, चाहे आपके पर्सन छोटे हों, आप छोटे हों, डजेंट मैटर, आप लोगों का पहला प्यार है, आप किसी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, फर्स्ट लव के लिए रीडिंग देख रहे हो, और आप ये चाह रहे हो देखना कि इनके अंदर क्या बदलाव आया है, कि क्या ये आपके तरफ कोई ऑफर लेकर आएंगे, आपसे बात करेंगे, इनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा या नहीं आएगा, या आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी इश्यूज, जो पेरेंट्स इश्यूज चल रहा है, क्या उन चीजों का एंड हुआ, उन चीजों के प्रति इनके अंदर बदलाव आया है या नहीं आया है, या ये जो इतने कंफ्यूजन में रहते हैं इनके बदले में इनके अंदर कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। तो जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है। आपके पर्सन के अंदर इन सब चीजों, ये जो हमेशा कंफ्यूज रहते थे आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज को लेकर, उन चीजों के प्रति इनके अंदर बदलाव आएगा, कन्फ्यूजन्स इनके सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी ये कन्फ्यूजन्स थे इनके सामने, जितने भी ऑप्शंस थे, उन सबका एंड होकर ट्रांसफॉर्म आने वाला है। दूसरी बार आप लोगों की रीडिंग में ट्रांसफॉर्म का कार्ड आया है, ये भी डेथ और ये भी डेथ का कार्ड है। ठीक है, डेफिनेटली कुछ चीजों का यहाँ पे पूरी तरह से एंड हो जाएगा, और वो एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका अभी तक ये जो इश्यूज चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, ये जो थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहा है इस 88 पोर्टल में ना, आपका ये थर्ड पार्टी इश्यूज का डेथ हो जाएगा,
और आपके पर्सन का आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी तरफ इनका कोई कम्युनिकेशन, इनका आपकी तरफ कोई ऑफर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, या आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आएंगे। जो भी सिचुएशन आपके बीच में खराब हुई है, बुरी खबर बनकर आई है, उन चीजों का एंड इस पोर्टल के दौरान हो जाएगा। काफी लोगों के पार्टनर का कॉल, टेक्स्ट या खुद से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज मुझे यहाँ पर गाइस देखो खत्म होता हुआ काफी लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है, और ये स्पेशली उन लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में, सेपरेशन टाइम में ना अपने आप को अच्छे से जान चुके हैं, जिन्होंने अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्क करा है, जिन्होंने मेडिटेट करा है, जिन्होंने अपने चक्रास को बैलेंस करा है, उन लोगों की लाइफ में ये बहुत ज्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं होने के। जिन लोगों ने अपने अंदर इन चीजों पे काम नहीं करा है तो उनसे बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस, आप अपने चक्रास पे काम करो, इस टाइम पे आप मेडिटेट करो, आपकी चीजें बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। इस टाइम पे आपके ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो आप जो चीजें करोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे बोला जा रहा है आप ये चीजें करो, और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ना इस चीज पे काम काफी लंबे समय से, तो उसकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, ये चीजें दिख रही है। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज, आपके पार्टनर यहाँ पे अबेंडेंस का कार्ड आया है, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबेंडेंस आ रही है, और उसमें अबेंडेंस है आपका इनकी लाइफ में फिर से आना। आप में से काफी लोगों का, मैंने ऑलरेडी बोला, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, यहाँ ट्विन फ्लेम का, यहाँ सोलमेट का कार्ड आ गया है, तो आप लोग काफी लोग जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो उनका यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इनकी लाइफ में एक अबेंडेंस की तरह वापस से जाने वाले हो, ये चीजें दिख रही हैं। आप इनकी लाइफ में पास्ट के पर्सन जैसे हो, पास्ट से आप डील कर रहे हो काफी लंबे समय से, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में वो पास्ट की जो भी इनकी विशेज हैं वो सब फुलफिल होने वाली हैं। ये आपको एक विश की तरह ही देख रहे थे और इनकी विश वो पूरी होने वाली है। यहाँ पे रीयूनियन, रिकंसिलेशन, इंटीग्रेशन काफी लोगों का होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हेल्दी बिगनिंग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में नहीं है, और या आपको पता नहीं है कि आप किस जर्नी में हैं, और अगर आपने काम करा है अपने मेडिटेशन पे, अपने चक्रास पे, तो भी यहाँ पे आप वापस से अपने पर्सन की लाइफ में चले जाओगे। इनकी लाइफ में आप एक अबेंडेंस की तरह, एक विश की तरह वापस से पहुंचा दिए जाओगे, ये चीजें दिख रही हैं मुझे, क्योंकि मैं बेसिकली आपके पर्सन की लाइफ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं ये चीजें देख रही हूँ ना, तो इनकी लाइफ में यही बदलाव आ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक अबेंडेंस की तरह पहुंच रहे हो, ठीक है। काफी के पार्टनर की यहाँ पर अवेकनिंग हो चुकी है। अगर काफी लोगों के पर्सन अवेकनिंग के ड्यूरेशन पे है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए गाइस, आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन, रिलेशनशिप पूरी तरह से सही हो जाएगा, ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से और क्या कहा जा रहा है आपकी डेस्टिनी में, और क्या क्या होने वाला है इस लॉयन गेट पोर्टल के दौरान। Your dream need a practical plan, a time for healing. Be bold and make the first move. एक कार्ड और ले लेते हैं। You and your loved one are safe. देखो गाइस, मैंने आपको यही बोला, यहाँ पे ये जो चारों कार्ड्स आए हैं ना, आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने अवेकनिंग पे, अपने मेडिटेशन पे, अपने चक्रास को बैलेंस नहीं करा है, तो आप ये जो समय है ना, 88 लॉयन गेट पोर्टल, ये समय है आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकली लाने का, ठीक है। जो आप सपने देख रहे हो उन्हें वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आप इन चीजों पे आप काम करो, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगी। जो चाह रहे होंगे वो चीजें बहुत स्पीड से होंगी, दो गुनी स्पीड से होंगी। तो आपसे बोला जा रहा है अगर आप हील होना चाहते हो तो अपने आप को हील करो, अपने ड्रीम्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो उन चीजों को लाओ, और एक बोल्ड की तरह, यानी कि मतलब एक तरह से ऐसे मत बने रहो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, बोल्ड बनो और अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक मूव उठाओ, एक स्टेप उठाओ, आपके लिए ऐसा आप गाइडेंस दी जा रही है। उसके अलावा आपसे बोला जा रहा है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप दोनों पूरी तरह से सेफ हो, और आप लोगों का रीयूनियन होना है, लेकिन
बात यह है कि आप उसके लिए कितना अवेकन हो, आप उसके लिए कितना जागरूक हो, आप उसके लिए कितने एफर्ट कर रहे हो। अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हो तो वो चीजें कैसे आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं इस लॉयन गेट पोर्टल के लिए, आपको और क्या करना चाहिए एज अ गाइडेंस। अबेंडेंस, देखो गाइज, अबेंडेंस तो आपकी लाइफ में भी लिखा है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी लिखा है, आप लोगों का रियूनियन भी लिखा है, लेकिन आपने इसके लिए कितना एफर्ट करा वो चीजें भी डिपेंड करती हैं। डोंट स्टॉप, अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आप करते रहो, और अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं करा है तो आप रुकिए नहीं, आप चालू हो जाइए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए दो कार्ड्स गिरे, नॉट द राइट टाइम और परफेक्ट टाइम, दोनों अपोजिट कार्ड आ गए। उन लोगों के लिए ये सही समय नहीं आया है जिन लोगों ने अभी तक अपनी कोई ग्रोथ के लिए, अपनी अवेकनिंग के लिए कोई कार्य नहीं करा है, उन लोगों के लिए अभी समय नहीं आया है। आपसे बोला जा रहा है आप अभी काम कीजिए, रुकिए नहीं। जिन लोगों ने इन चीजों पे बहुत ज्यादा वर्क करा है, बहुत ज्यादा काम करा है, उनके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग, ये डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आ गई है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये तो आपको पता होगा आपने कितना एफर्ट करा है, कितना काम करा है। रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में और क्या हो रहा है, रोमांस को लेकर क्या बदलाव हो रहे हैं लॉयन गेट पोर्टल के दौरान। राइट टीचर, बहुत सारे कार्ड्स हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स, देखो गाइस काफी लोगों का रीयूनियन होने वाला है, यहाँ पे रिकंसिलेशन होने वाला है, आप लोग मिलने वाले हो। ठीक है, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप लोग काफी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो काफी लोगों के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर आपने इन चीजों पे कोई काम नहीं करा है, आप अपने पर्सन को जस्ट कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो आपसे बोला जा रहा है आप उन्हें रिलीज कर दो, अपने आप को फ्री कर दो, ताकि आप अपने कार्य में लग जाओ। जब तक आप फ्री नहीं कर पाओगे, जब तक आप यू नीडी रहोगे, तब तक आप अपने काम पे नहीं लग पाओगे, अपनी अबेंडेंस को लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो दो पर्सन के बीच में ये रीडिंग बढ़ गई है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंसेस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो कुछ लोगों के केस में तो यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर आप लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से अभी आपकी लव लाइफ के लिए समय सही नहीं आया है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन काफी लोगों का तो यहाँ पे रीयूनियन गाइस हो जाएगा। चलिए एनर्जी ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेते हैं। गाइड कीजिए, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, द गार्डन एंड द गेट, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। तीन तीन बार आप लोगों की रीडिंग में आज अबेंडेंस आई है गाइस। अबेंडेंस तो काफी लोगों की लाइफ में आने वाला है, स्पेशली पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर। गाइड कीजिए, ऐसा बताइए। वुमेन होल्डिंग आ हार्ट, काफी लोगों के पर्सन उनके पास अपना ऑफर लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना दिल लेकर आते हुए वापस से लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, अगर आपने अपने आप को हील नहीं करा है अब तक, अभी तक आपके मन में नेगेटिविटी है, अभी तक अपने पर्सन को लेकर गुस्सा है, किसी प्रकार को लेके की नाराजगी है, किसी प्रकार की कड़वाहट है, तो ये सब बेसिकली आप अभी हील नहीं हुए हो, इसीलिए ऐसा आपके अंदर हो रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ब्लास्ट होगी, आप कभी बहुत ज्यादा वीक होंगे इस पोर्टल के दौरान, कभी आप बहुत ज्यादा शांत फील करोगे अपने आप को, तो इन चीजों को बैलेंस करो, इन चीजों को बैलेंस करने का समय आपका है ये। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तभी लाओगे जब आप इन चीजों पे काम करोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने आप को दर्द से निकालोगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन में काफी ज्यादा चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी लाइफ में उनका ट्विन फ्लेम सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों का रीयूनियन नहीं होगा उन लोगों के लिए बहुत सारी यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पे रेमेडीज के लिए बोला जा रहा है गाइस, देखो अगर आप हो सके तो इस वक्त में ना सूर्य जी की, सूर्य देवता और शिव जी की बहुत ज्यादा आराधना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शिव जी जो है वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, वो भी कहीं ना कहीं अलग हुए और फिर बिछड़े, और ये सावन का ही समय चल रहा है। ठीक है, तो शिव जी के लिए भी बहुत ज्यादा ये
आराधना करी जाती है इस समय पे। तो अगर आप हो सके तो शिव जी को दूध चढ़ाइएगा, उन्हें उनकी आराधना कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो सूर्य देवता को भी जल चढ़ाइएगा सुबह को उठकर इस समय पे, तो आपकी लाइफ में ना काफी जल्दी ये परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में भी आ जाएंगी, आपकी लाइफ में भी अबेंडेंस आ जाएंगी। क्योंकि एक्चुअली में ना आपकी लाइफ में भी अबेंडेंस लिखी हुई है, अबेंडेंस एंड अबेंडेंस आपके पर्सन की लाइफ में लिखी हुई है तो आपकी लाइफ में भी लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस नहीं है, लेकिन आपकी आपके लिए समय सही इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपने इन चीजों पे काम नहीं करा है। अगर आपने इन चीजों के ऊपर काम करा है तो आपके लिए भी ये समय बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।